डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि मेरी औकात नहीं थी भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। बिल्कुल सत्य बात इन्होंने कहा, दलित की कोई औकात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और बंगारू लक्ष्मण जी को अध्यक्ष बनाया, एक लाख का भारतीय जनता पार्टी का दलित राष्ट्रपति है, और अल्टीमेटली बंगारू रामनाथ कोविंद दलित है, बर्बाद कर दिया। और आपसे अधिक संघर्ष करके आए हैं कोविंद जी, मुख्यमंत्री करके आए योगी जी के सामने रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति है, और मोदी जी उनका नमस्कार नहीं लेते। लीजिए, सही बात किया कि दलित की अवकाश भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपको, मैं धन्यवाद करता हूँ। दलित की कोई अवकाश नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कांग्रेस में कोई अवकाश नहीं है। बहुत सही बात किया, आपको क्या बनाया कांग्रेस ने मुझे बताइए। भाजपा ने आपको सांसद बनाया, कांग्रेस ने आपको क्या बनाया? कांग्रेस में आप कौन है? एक ब्राह्मण हो सकता है कांग्रेस में? एक ब्राह्मण ने तो आपको सांसद बनाया, संचालक हो सकता है? भाजपा ने तो आपको सांसद बना दिया। धन्यवाद, पहली बार अगर आपको हल्दी लगी तो भाजपा की कृपा से, कि दलितों की कोई हल्दी लगी तो भाजपा की कृपा से। मेरी औकात क्या बताइए ना, कांग्रेस में आपकी औकात क्या बताइए? और मेरी औकात कांग्रेस में आपकी औकात क्या बताइए? कांग्रेस में आपकी औकात क्या बताइए ना? आपने कांग्रेस में आपकी औकात क्या तो बताइए? जनता पार्टी की विचारधारा है। मुझे एक चीज, मैं तो आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आपका मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज सच बता दिया। मेरी बात सुनिए, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी कितना नफरत एक बात से करती है। ना, आप मेरी बात सुन लीजिए उदित जी। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, आपके पास आधी सवाल है उदित राज जी, आपको मेरी बात सुननी होगी। मैंने बहुत ईमानदारी से आपको पूरा मौका दिया है, हमारे मैंने आपको मौका चौका मारने के लिए दिया था, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए नहीं दिया था। दलित की औकात नहीं है, हमारी औकात नहीं है। उदित राज जी, शुक्ला जी, उदित राज जी रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये गलत बात है, ये गलत बात है, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बैठे, यहाँ पर बैठे, चाहे वो प्रेम शुक्ला हो, चाहे वो तिवारी जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो मेहता साहब हो, चाहे ब्रिजमोहन जी हो, नहीं आप ये काम नहीं कर सकते हैं। आप सांसद बने हैं, आप उस क्रीम लेयर से ताल्लुक रखते हैं, और यहाँ बैठकर चूंकि आप किसी और तरीके से जवाब नहीं दे पाए तो आप अपने आप को दलित कहकर और दुखी, नहीं नहीं ये विक्टिम कार्ड होता है उदित राज जी, इसे विक्टिम कार्ड कहते हैं, और मुझे इस विक्टिम कार्ड से बड़ी परेशानी है। इन्होंने नहीं कहा था कि उन्होंने उन्होंने आपके दलित होने की वजह से ये बात नहीं कही थी, ये गलत बात है उदित राज जी। उन्होंने आपकी बात कही थी, उन्होंने आपकी बात कही थी, फर्जी हो, मेरी औकात नहीं थी। नहीं, आपने कहा भाजपा किसी सांसद की औकात नहीं थी, इसके जवाब में आपकी कोई औकात नहीं है। डिबेट कराना हो, मैंने भी सरकार यूं डिबेट उदित राज जी, लेकिन ये बात गलत है, ये बात गलत है। करके शुरू किसने किया? प्रेम शुक्ला जी रुकिए, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड रुकिए, आप एक सेकंड, एक सेकंड। आलोक मेहता जी यहाँ पर मौजूद है, उदित राज जी उदित राज, नहीं आप मेरी बात सुनिए, आप इन्होंने तो कहा था, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, उदित ना, मैं बताती हूँ आप अभी क्या कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता अभी मान लीजिए शिवसेना के नेता यहाँ तिवारी जी, किशोर तिवारी जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, छोड़िए ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी अगर मान लीजिए बिल्कुल भावनाओं के आवेश में आकर मुझे कह दे रूबिका जी आपकी औकात नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा ना, अब मैं आकर ये कहने लगूं अरे ब्रिजमोहन जी आपने मुझे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं महिला हूं, आपने मुझे इसलिए ऐसा कहा क्योंकि मैं महिला हूं, अरे भाई उन्होंने मुझे कहा ना, आप डिफेंस कर रही हैं। मैं डिफेंस नहीं कर रही हूं, पर मैं कह रही हूं मैं कोई किसी को डिफेंस नहीं कर रही हूं, मैं किसी को डिफेंस नहीं कर रही हूं उदित जी, बस मैं ये कह रही हूं। कांग्रेस को कहते हो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप गलत ट्रैक पर उसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर को डिफेंस कर रहे हो? मैं किसी को डिफेंस नहीं कर रही हूँ, मैं सच्चाई से बात रखने की आदि हूँ सर, मैं सच्चाई से। और आप एक सांसद, आपने वो बेहतर जगह देखी है, तो आप अपने बाकी साथियों को
उन तमाम दलितों को डराएंगे नहीं सर, आप उन्हें कहेंगे कि दुनिया बढ़िया और बेहतर जगह है, अगर मैं आ सकता हूं तो कोई भी आ सकता है। आलोक जी बताइए मैं गलत हूं, या फिर हर बात पे ये कहा जाए कि ना चूंकि मैं दलित हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आलोक जी आप कह रहे हो, लेकिन इन्होंने तो कहा ना मेरी औकात नहीं थी। ओके मैं इस पे सफाई ले लूंगी, मेरी औकात नहीं थी। ओके अरे जी आप बोलिए जी, आप लोग लड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। उन्होंने तो कहा था मेरी औकात नहीं थी, मैं चाहती हूं वरिष्ठ पत्रकार से बात करें। आप उन दोनों, आप दोनों इनकी इज्जत करते हैं ना, आप सुन लीजिए। आलोक जी देखिए, देखिए रूबिका जी, अभी हम शरद पवार जी की बात कर रहे हैं और मेरा कहना है कि उदित राज जी ने बहुत अच्छा, जो मैं तो मानता हूँ कि उन्होंने कहा कि पहले उनको प्रस्ताव दिया गया था, ये मेरे लिए भी एक बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर कि शरद पवार जी को यदि ये प्रस्ताव दिया गया था कांग्रेस की तरफ से तो बहुत अच्छी बात है। और उदित राज जी को तो मुख्यमंत्री दिल्ली का, उनको कांग्रेस पार्टी को बनाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को तो घोषित करना चाहिए। मैं तो आप उनके लिए कहूँगा कि औकात की बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। यदि वो बीजेपी से भी गए हैं, बीजेपी ने नहीं दिया तो वो मुख्यमंत्री बने, शरद पवार जी के नेतृत्व में काम करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी बहस शरद पवार पर हो रही है, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने भी उदित राज जी को इतना अच्छा, वो इनकम टैक्स में अफसर थे बहुत बड़े, वो अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा योग्य थे, लेकिन उनको तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया। शरद पवार जी भी बहुत योग्य थे, उनको नहीं बनाया। अब राहुल गांधी का नेतृत्व लोग नहीं स्वीकार करते या केजरीवाल जी को कांग्रेस स्वीकार नहीं करती, तो कम से कम उदित राज जी को कर लें, शरद पवार जी को कर लें, उद्धव ठाकरे जी को भी कांग्रेस मान ले तो कोई बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है कि शुक्ला जी भी अग्री कर जाएंगे, तिवारी जी भी अग्री कर जाएंगे, श्रीवास्तव जी भी कर जाएंगे, समर्थन में कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है उदित राज जी के चेहरे की मुस्कान भी अग्री कर रही है। क्यों उदित राज जी, देखिए मेरा पहला वोट आपको जाएगा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर अगर आप चुनाव लड़ते हैं। हालांकि मैं तो नहीं कर सकती हूँ वोट, लेकिन मॉरली मैं दूंगी आपको वोट। प्रेम शुक्ला जी ने मुझे खुश कर दिया, प्रेम शुक्ला जी ने आज सच्चाई बता दिया, इसलिए मैं खुश हूँ। प्रेम शुक्ला जी अध्यक्ष आप बन जाए, हम लोग समर्थन कर रहे हैं। खुशी की तो बात अलग है, आलोक जी का आपके नाम को आगे करना आपको खुशी, ये खुशी की बात है। पर चलिए शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि हम जो कंक्लूड कर रहे हैं वो मुस्कान के साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।